भिवानी में एक खबर का असर देखने को मिला है। दरअसल चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल के जर्जर हालात की खबरें अभी तक ने बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाया था और इसके बाद प्रशासन जागा है। साथ ही जल्द ही भवन की मरम्मत या फिर नया भवन बनाने का फैसला लिया जा सकता है। रिपोर्ट देखिए। खबरें अभी तक की खबर का असर हुआ है। दरअसल करीब 47-48 साल पहले चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में नर्सिंग छात्रावास के लिए भवन बनाया गया था। पिछले 8-10 सालों से इस छात्रावास का भवन जर्जर हो चुका है। खबरें अभी तक ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और अब प्रशासन हरकत में आ गया है। खुद एसडीएम ने टीम समेत यहां पहुंचकर छात्रावास के भवन का निरीक्षण किया और अब छात्राओं को उम्मीद जगी है कि जल्द ही समस्या का समाधान निकाला जाएगा। सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ, मेरा नाम मनीषा, मुझे रहते हुए यहाँ पे 1 साल हो गया। रोज हमारी छतें गिरती हैं, लड़कियों को चोटें लगती हैं, बहुत ज्यादा कई लड़कियां घायल भी हो चुकी हैं इसी कारण। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारा जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा, पर उन्होंने हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की कि 1 हफ्ते से हमें कम टाइम दिया जाए, क्योंकि 1 हफ्ते तक क्या पता किसी के साथ कोई घटना हो गई तो हम क्या करेंगे, हमारे माँ बाप कहाँ पे जाएंगे, हमारी मैम कहाँ पे जाएंगी। अपनी टीम के साथ निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम महेश कुमार ने खुद माना कि छात्रावास के भवन की हालत जर्जर है। यही नहीं, एसडीएम ने कहा कि यहाँ रहने का मतलब जान को खतरे में डालना है। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह में हम तय करेंगे कि यहाँ की मुरम्मत की जाए या फिर नया ही भवन बनाना पड़ेगा। हालत जो है महज 2-4 महीने में बिगड़ी है, उससे पहले की बिगड़ी है नहीं। जो अभी प्रथम दृष्टा इस बिल्डिंग का निरीक्षण किया गया है मेरे द्वारा और जो टीम मेंबर्स हैं हमारे, एक्शन साहब हैं और डॉक्टर साहब हैं, तो उससे कोई भी लेमैन है वो देख के कह सकता है कि जो बिल्डिंग है काफ़ी समय से ही खराब कंडीशन में थी और इसके प्रॉपर रख रखाव ना करने के कारण, उसके अभाव रख रखाव के अभाव के कारण ही बिल्डिंग की आज स्थिति इस तरह की हो गई है कि उसमें आपका जो प्लास्टर है वो गिर रहा है छतों से। आखिरकार खबर दिखाए जाने पर प्रशासन की गहरी नींद टूट ही गई। अब देखना होगा कि एसडीएम के आश्वासन पर तय समय में कार्रवाई हो भी पाती है या नहीं। खबरें अभी तक के लिए भिवानी से जगबीर धनगस की रिपोर्ट।